याद हो गया फ्रेंच फ्राइज मैकडोनल्ड का सबसे फेमस फ्रेंच फ्राइज 200 ग्राम 200 ग्राम का जो पैकेट आता है फ्रेंच फ्राइज का हैज 600 कैलोरीज एंड आउट ऑफ दोस 280 कैलोरीज इज ओनली फैट 280 कैलोरीज में सिर्फ फैट की होती है सबका प्यारा समोसा इंडियन लव समोसा बट वन समोसा हैज 400 कैलोरीज कितने समोसे खा जाते हैं एक बार में कितने चार मतलब 1600 कैलोरीज सिर्फ समोसे से खाते हैं कौन है हु इज द वन किसने बोला चार The man with four samosa aur tabhi he is round like a samosa and this is all because of eating samosa so life mein agar aapne लाइफ को समोसे की तरह नहीं बनाना तो आई डोंट से कि समोसा खाना बंद कर दीजिए बट अवॉइड एज मच एज यू कैन एंड गिव अ पनिशमेंट टू योरसेल्फ जिस दिन आपने ज्यादा रेड लिस्टेड फूड में से कुछ भी ज्यादा खाया आई विल शेयर एन एग्जांपल ऑफ माय टीचर वो हमारी एक टीचर ऐसी थी कि वो जब भी ऐसे समोसा केक या कुछ भी खाती थी डेली एक्स्ट्रा तो घर जाके अपने पूरे घर को पोछा लगाती थी साफ करती थी That is a punishment she used to give every day. अपने आप भी अपने लाइफ में अपने को डेली एक पनिशमेंट ऐसे दीजिए Whenever you eat excess of fat, give a punishment to yourself. Either you the hospitals will give you a punishment and you have to pay the punishment to doctors. नहीं तो doctors को bill देने पड़ेंगे सब The McDonald's burger. वन बर्गर हैज 500 जन कैलोरीज 500 कैलोरीज होती है एक बर्गर के अंदर गुलाब जामुन मुंह में पानी आ गया सबके बट वन गुलाब जामुन हैज 320 कैलोरीज और 320 कैलोरीज में से 170-180 कैलोरीज सिर्फ फैट की होती है कितने गुलाब जामुन खा जाते हैं 10 गुलाब जामुन दैट मीन्स 3000 कैलोरीज कौन है 10 वाले लेकर दिखा के You are a very bright patient for hospitals. You should definitely keep a card of a doctor in your pocket. हमेशा रखिए. So, what do you think? इतना excess में खाते हैं excess कैसे खाना निकलेगा body से? What do you think? Exercise. But do you think exercise doing exercise is so easy? Do you know that by running constantly, 1 घंटा constantly भागने से at a speed of 9 kilometers, you just burn 600 calories. 1 घंटा 9 किलोमीटर की स्पीड पे भागने पे आप सिर्फ 600 कैलोरीज बर्न करते हैं तो वो कहां है 10 गुलाब जामुन वाले 10 गुलाब जामुन को बाहर निकालने के लिए कितनी देर भागना पड़ेगा For how much time you'll have to run? दिन भर भागते रहना पड़ेगा So my suggestion, my recommendation to you is at least limit your temptations, limit your bad habits. Don't become a
slave of your bad habits. आदतों के गुलाम नहीं बनिए, आदत अपनी खराब आदतों को अपने ऊपर नहीं बैठने दीजिए. Instead, you should be master of yourself, not your habits should be master of you. So, exercise करने के क्या क्या benefits हैं? एक्सरसाइज करने से क्या क्या मिलता है? तीन चीजें, फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटली. तीनों चीजों, तीनों एस्पेक्ट से आप स्ट्रांग होते हैं. कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स भी हैं एक्सरसाइज करने के. बिकॉज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक्सरसाइज करने से आप हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारी से दूर रह सकते हैं. बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लिपिड्स जिसको भी कहते हैं, वो बहुत कम हो जाता है एक्सरसाइज करने से. सेकंड, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है एक्सरसाइज करने से. जब आप भागते हैं, थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, तो आपका ब्लड के अंदर जो खून है वो तेज दौड़ने लगता है एंड योर ब्लड प्रेशर गोज डाउन. थर्ड इज डायबिटीज. डायबिटीज एक्सरसाइज करने से डायबिटीज भी कम हो जाती है. इंसुलिन की सिक्रीशन भी बढ़ जाती है एक्सरसाइज करने से. ओबिसिटी, सबको पता है मोटापा एक्सरसाइज करने से कम हो जाता है. पीठ की दर्द की बीमारी है वो कम हो जाती है. ऑस्टियोपोरोसिस, दैट इज लूजिंग ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स. एक्सरसाइज करने से जो कैल्शियम जो हमारी हड्डियों से बुढ़ापे में कमजोर हो जाती है हड्डियां, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो कैल्शियम लूज इतनी जल्दी नहीं होगा, आपकी सारी जिंदगी हड्डियां मजबूत रहेंगी. दिस हैज बीन एक्सपीरियंस बाय पीपल हु डू रेगुलर एक्सरसाइज. अगर आप 20 से 25 मिनट हर रोज एक्सरसाइज करेंगे तो टिल योर एंड ऑफ योर एज ऑफ योर लाइफ आपकी हड्डियां बहुत पूरी जिंदगी मजबूत रहेंगी. वो जल्दी से उनमें फ्रैक्चर नहीं आएगा और दर्दें नहीं होंगी. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, तो आपके अंदर का आपके इनर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी. यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ. आप में से कितने लोगों के बच्चे, आप लोगों, आप अपने पेरेंट्स को खुद एज अ मॉरल देखते हैं? आप में से किसी के बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को एज अ मॉरल देखते हैं, या वो शाहरुख खान, ऋतिक रोशन को अपना मॉरल देखते हैं, आइडल देखते हैं? बताइए. किसी के बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को एज एन आइडल मानते हैं? वो चाहते हैं कि मैं भी अपने फादर या मदर की तरह स्मार्ट हैंडसम लगू, या वो ऋतिक रोशन या सलमान खान को एज अ मॉडल देखते हैं, आइडल देखते हैं? व्हाई डू यू वांट, आप ये क्यों नहीं चाहते कि आपके अपने बच्चे आपको एज एन आइडल देखें, नॉट ऋतिक रोशन या सलमान खान? दीज एक्टर्स को देखा वर्क फॉर ओनली 3-4 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स, और पूरी जिंदगी के लिए पैसा कमा सकते हैं. बट हम लोगों को तो पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा तो ही हम अपनी जिंदगी का गुजारा कर सकते हैं. तो डू यू थिंक एक्टर्स को सिर्फ एक्सरसाइज और अच्छी बिल्ड की जरूरत है, हमें नहीं जरूरत है? व्हाई डोंट वी डू एक्सरसाइज, हम क्यों नहीं करते? लाइफ इतनी बिजी है या क्या है, क्या प्रॉब्लम है? टाइम नहीं है. सास बहू के सीरियल बहुत ज्यादा बिजी रखते हैं. व्हाट इज द रीजन? आई हैव डन सो मेनी वर्कशॉप, बट ये रीजन आज तक मुझे कहीं से नहीं मिल पाया कि क्या रीजन क्या है. लेजीनेस. क्या आप लोग डोंट लव योरसेल्फ, अपने से प्यार नहीं करते? क्या आप लोग अपने से प्यार नहीं करते? किस किस को अपने से प्यार नहीं है? कौन आज ऊपर कर रहा था? व्हाई डोंट यू डू एक्सरसाइज? प्यार है,
बोलने के लिए या है इंडस्ट्री में है. व्हाई डोंट यू डू एक्सरसाइज एवरी डे? यू डोंट लव योर सेल्फ? यस. हाउ डू यू लव योर सेल्फ? नॉट बाय डूइंग एक्सरसाइज. ज्यादा देर सोने से, सुबह 15 मिनट सोने से प्यार करते हैं. बाय दैट मीन्स यू लव योर सेल्फ. क्या 10 गुलाब जामुन और 4 समोसे खाने से प्यार करते हैं? टेल मी, कैसे हाउ डू यू लव योर सेल्फ? I think now is the time to do exercise. कुछ exercise कर ही रहा है. Where is doctor? She has gone. Okay. I wanted her to help me for doing exercise because I'm seeing बहुत सारे लोग सोने जा रहे हैं. बहुत ज्यादा खाना है, भी खाना हो चुका है. I think now is the time to do some exercise. Ready for some exercise? Yes. So much energy? Yes. सोचने की शक्ति, उनकी काम करने की शक्ति कम हो जाती है. इसलिए 7 से 8 घंटे हर रोज सोना चाहिए. जो ज्यादा सोते हैं 13 घंटे से ज्यादा, तो उनका दिमाग भी, उनके सेल्स कम होने शुरू हो जाते हैं. तो इसलिए 7 से 8 घंटे हर रोज सोना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं. मोटा होने का एक बहुत बड़ा कारण है, अगर आप 4 घंटे से कम सोते हैं तो 73% चांस है कि आप मोटे हो जाएंगे. कौन कौन से लोग 4 से 5 घंटे सोते हैं रोज?
sleep 7 to 8 hours every day, otherwise you will start gaining weight. If you are sleeping less than 4 hours, you will start gaining weight. Thank you. I want to tell the importance of sleep. नींद के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कॉस्मिक पावर ने एक क्लॉक बना के भेजी है. वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हर रात को एक्टिवेट हो जाती है और सुबह खत्म हो जाती है. इसलिए रात को सोना शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. इसकी बायोलॉजिकल क्लॉक की कहानी ऐसे है कि रात को 9 बजे एक्टिवेट होती है और सुबह 7 बजे तक हमारी बॉडी के अंदर चलती है. आई वॉन्ट टू शेयर अ स्टोरी कि वी हैड 9 साइकैट्रिस्ट इन अपोलो एंड दे ऑल हैव लेफ्ट अपोलो एंड दे हैव ओपन्ड अप द क्लिनिक्स अराउंड दिल्ली, गुड़गांव एंड नोएडा वेयर ऑल कॉल सेंटर्स आर देयर. वहां कॉल सेंटर्स में उन सबने अपनी क्लिनिक्स खोल दी और सबके वहां क्लिनिक्स बहुत ज्यादा बहुत चल रहे हैं. You know what is the reason? Call centers में लोग रात को काम करते हैं और सुबह सोते हैं. Because they are working according to America, they are working according to their daytime. जबकि हमारे यहाँ रात होती है. But they are working all against the law of nature. जो बायोलॉजिकल साइकिल जो रात को एक्टिवेट होती है वो दिन में नहीं होती. कुछ ऐसे स्पेसिफिक शरीर के अंदर हार्मोन्स हैं, रिपेयर हार्मोन्स, जो रात में ही निकलते हैं, जो बॉडी की रिपेयर रात को ही करते हैं. तो उस हार्मोन्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें रात को टाइम से सो जाना चाहिए. यू नो व्हाट इज द राइट टाइम टू स्लीप? द राइट टाइम टू स्लीप इज 11 o'clock. 11 बजे, 9 से 11 के बीच में हमारे शरीर के अंदर वो साइकल्स 9 बजे शुरू होती है. 9 से 11 के बीच में हमें रिलैक्सेशन करनी चाहिए एवरीडे. 9 से 11 के बीच में हमें कुछ काम नहीं करना चाहिए. 11 बजे हमें बेड पे सो जाना चाहिए और सुबह 7 बजे से पहले हमें अपने बाउल को एम्प्टी कर लेना चाहिए. शुड गो बिफोर 7 o'clock टू एम्प्टी योर बाउल बिकॉज इस टाइम तक आपके इंटेस्टाइन के अंदर बायोलॉजिकल साइकिल एक्टिवेट हो जाती है. एंड 7 to 9 मॉर्निंग में इज द राइट टाइम जब आपको ब्रेकफास्ट की जरूरत है. अगर आपने सुबह 7 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट नहीं किया तो होल ऑफ द बायोलॉजिकल साइकिल जो रात में चलती है वो पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं होती और पूरी तरह से काम नहीं करती. तो आपके शरीर के अंदर जो डेली हार्मफुल केमिकल्स बनते हैं जो आपके शरीर को बीमारियां देते हैं वो वहीं के वहीं जमा हो जाते हैं और डिजीज पैदा करते हैं. सो द राइट बायोलॉजिकल, इफ यू फॉलो द राइट बायोलॉजिकल साइकिल आप कभी भी बीमार नहीं होंगे. तो हमें बायोलॉजिकल साइकिल में ध्यान रखने वाली बात यह है कि 9 से 11 के बीच में रिलैक्सेशन, 11 बजे बेड के ऊपर, 11 से कितने, 11 से 6:30 बेड पे, 6:30 एंड बिफोर 7 एम्प्टी योर बाउल, गो टू टॉयलेट एंड 7 to 9 ब्रेकफास्ट. हर रोज इन चीजों को फॉलो कीजिए. अगर आप इन चार चीजों को डेली फॉलो करेंगे तो आप बहुत सारी लाइफ की बीमारियों को अपने से दूर भगा पाएंगे. नाउ वी टॉक अबाउट, शरीर की तो बहुत बात हो गई, नाउ वी टॉक अबाउट समथिंग अबाउट माइंड. कुछ माइंड की बात करते हैं. माइंड क्या होता है? माइंड क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइंड? Thank you.
brain and mind. Oh, you all are very intelligent. You all drink Tony, that's why you all are intelligent. So difference between brain and mind is that brain is the hardware and mind is the software. Brain is an identity जो हमारे यहाँ ऊपर होता है और mind उसके अंदर जो electrical impulse है which are traveling, those are mind. You know where is the mind? How they travel? दो तरह के माइंड होते हैं. डू यू नो देर आर टू टाइप्स ऑफ माइंड. यस व्हाट? यस कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड. देर आर टू टाइप्स ऑफ माइंड. दो तरह के माइंड होते हैं. हम अपना कौन सा माइंड का यूज करते हैं? हम सब लोग कौन सा माइंड का यूज कर रहे हैं अभी? तो आप लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्यों खाली छोड़ रखा है? डू यू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड? डू यू रियली वॉन्ट टू एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड? यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड? कॉन्शियस माइंड इज द अलादीन एंड सबकॉन्शियस माइंड इज द जीनी. सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर विशेष को पूरा कर सकता है. 90% ऑफ आर ब्रेन हैज द सबकॉन्शियस माइंड कैपेसिटी एंड ओनली 10% इज कॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत सारी आपकी जरूरतें, बहुत सारे आपके फ्यूचर की बातें पूरी कर सकता है. यू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड.